ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वेरिगोस वेंस। बहुत आम समस्या होती जा रही है, नसों का प्रॉब्लम, जिससे कि ब्लड की सप्लाई हमारे पैरों में, बहुत सारी ऐसी तकलीफों को झेलना पड़ता है। और वेरिगोस वेंस के लिए बहुत ही अच्छा योगा टेक्निक है, जिस आसन को कहते हैं सुप्त पादांगुष्ठासन। जी हाँ, सुप्त पादांगुष्ठासन एक ऐसा योगा टेक्निक है, आसन है, जो वेरिगोस वेंस जिन्हें है उन्हें इससे बहुत राहत मिलेगी। इनफैक्ट वही नहीं, जिनको नीज का भी अगर प्रेन है तो उससे बहुत फायदा होगा। इनफर्टिलिटी से जो लोग जूझ रहे हैं, इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। मूलाधार चक्र, द रूट चक्र ऑफ आवर बॉडी, वो भी बहुत एक्टिवेट होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, जिन्हें प्रोस्टेट से भी जो तकलीफ है वो भी बहुत सॉल्व होती है और उससे निजात पाते हैं, और बॉडी के अंदर एक अच्छी सी ऊर्जा होती है। हमारी हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छा है, बट मोस्टली इट इज गुड फॉर द वेरिगोस वेंस की जिनको समस्या है, और गाठिया का भी जिन्हें प्रॉब्लम है, घुटने का दर्द है उनके लिए। तो ये बहुत आसान है, करने शुरुआत करते हैं। एक अच्छे से मैट पे, साफ सुथरे जगह पे आप लेट सकते हैं। कैसे कर रहे हैं बता रहा हूं आपको। आराम से लेट जाएंगे, इस तरह से आपको लेट जाना है जमीन पे, और उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को धीरे धीरे आपको ऊपर उठाना है, और उसे फिर अंगूठे को लेफ्ट इस तरह से पकड़ना है। राइट पैर आपका जमीन पे ही, ध्यान रहे जमीन पे, ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए, जमीन पे ही होना चाहिए, और इस तरह से आपको अपने पैरों को पकड़ के रखना है, अंगूठे को, अपने थंब्स को इस तरह से पकड़ के रखना है आपको, और पूरा ध्यान अपना स्ट्रेच के ऊपर रखना है। आपका राइट पैर नीचे ही है और राइट हैंड भी आपको जमीन पे रखना है, और इस तरह से आप अंगूठे को पकड़ सकते हो, और लगभग आपको एक मिनट तक रखना है इसे, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउन। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो लोग अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उन्हें क्या करना है। तुम्हें अगर अंगूठे को नहीं पकड़ पाते तो इस तरह से ऊपर करके और पैरों को दोनों हाथ से इस तरह से आपको रखना है। यहाँ पे भी कम से कम आपको 60 सेकेंड्स, एक मिनट तक इस तरह से रखना है। एक से दो मिनट रख सकते हो, बट इट इज बेटर टू फर्स्ट स्टार्ट विद द 1 मिनट। एक मिनट आपको इस तरह से ऐसे रखना है एंड रिलैक्स। सेम पे विल डू फ्रॉम द अदर साइड। लेफ्ट पैर आपका नीचे, राइट को आपको ऊपर करना है, और फिर से अंगूठे को पकड़ना है। राइट पैर आपका नीचे हुआ, लेफ्ट पैर आपका, सॉरी, राइट पैर आपका ऊपर हुआ, लेफ्ट पैर आपका नीचे, और फिर से इसी तरह से आपको पूरा अंगूठे को पकड़ते हुए अपने स्ट्रेच को फील करना है। आपको देखना बिल्कुल सामने की तरफ है, नजर सामने की तरफ, और लगभग एक मिनट तक आपको इसे पकड़ के रखना है, करना है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन रिलीज। सेम थिंग हियर आल्सो, जो लोग अपने अंगूठे को नहीं पकड़ सकते उन्हें फिर इस टेक्निक में करना है, पैरों को फिर से ऊपर थोड़ा फोड़, और इस तरह से अपने घुटने के नीचे दोनों हाथ से पकड़ के स्ट्रेच को फील करना है। अगेन द सेम थिंग, आपको लगभग एक मिनट 60 सेकेंड ऐसे रखना है एंड रिलैक्स। फिर से करेंगे दूसरी तरफ से, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, और पूरी तरह से बॉडी के प्रति अपने स्ट्रेच को फील करेंगे। यू हैव टू डू इट फॉर 1 मिनट 60 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। देन अगेन फ्रॉम द राइट साइड,
स्ट्रेच को फील करना है, लेफ्ट पैर पूरा नीचे और राइट साइड पूरा आपका ऊपर। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू फील द स्ट्रेच, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर और रिलैक्स। जैसे ये हो जाता है वैसे विश्राम करेंगे थोड़ा सा और आराम से उठ के बैठ जाएंगे। लिसन टू प्रोसेस बराबर। सो आराम से बैठ जाएंगे और इसका आपको प्रैक्टिस करना है लेफ्ट साइड से 5 times, राइट साइड से 5 times और लगभग 1 minute आपको रुक के रखना है, यानी 5 मिनट लेफ्ट साइड से और 5 मिनट राइट साइड से, देखना ऊपर की तरफ है, नॉर्मल ब्रीथिंग। आपकी जो भी समस्या है वेरिगोस विंस को लेके वो पूरी तरह से बहुत 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 आपको आराम मिलेगा और बहुत आप उससे बाहर आ जाओगे, निजात पा जाओगे। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ वेरिगोस विंस नहीं, जिनको घुटने में तकलीफ है उनके लिए बहुत अच्छा है। इनफर्टिलिटी के जिनको थोड़ी समस्या है तो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर आसन है। तो इस आसन का भरपूर फायदा उठाइए और अपने जीवन को एकदम पूरी तरह से स्वस्थ, सुखमय और शांतिमय बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी अच्छे आसन प्राणायाम के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, सुख और शांति भरा आपका जीवन बीते। थैंक यू। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद।